everyone, welcome back. So students, today we will talk about chapter number 18. हम already इसके एक video upload कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे heart के बारे में, जो कि vertebrates के अंदर, यानी कि fishes, यानी कि pisces, amphibians, reptiles, eggs and mammals. इन सभी के जो heart होते हैं, उनका जो structure होगा, उनके जो parts होंगे, उनके बारे में discuss करेंगे. तो जब भी हम vertebrates के बारे में बात करते हैं, in vertebrates we talk about pisces, that is fishes, amphibians, reptiles, apes and mammals, right? तो फटाफट से जब हम इनके heart के structure के बारे में देखेंगे, तो you will get to know that in the case of fishes, there are two chambers in the heart. They have two-chambered heart. Two-chambered. Amphibians have three-chambered heart. Reptiles have three and a half, except the crocodile, because the crocodiles have four-chambered heart, just as the apes and mammals. Four-chambered heart. ठीक है. तो जब हम पाइसेस यानी कि फिशेस के बारे में बात करते हैं, तो इनके अंदर जो दो चैम्बर्स हार्ट प्रेजेंट होता है, इनके पास एक चैम्बर होता है एट्रम, विच इज कॉल्ड ऑरिकल, अनदर वन इज द वेंट्रिकल. ऑरिकल एंड वेंट्रिकल. इन द केस ऑफ एम्फीबियंस दे हैव टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल. इन द केस ऑफ रेप्टाइल्स यू विल सी that they have two auricles and two ventricles, but these two ventricles are not divided completely. These two ventricles have a false septum, false interventricular septum, right? So they have two auricles and two ventricles, but as I told you, these ventricles are not completely separated. In this case also, two auricles and two ventricles. ठीक है भाई? तो ये हमने देखा कितने चैम्बर हर्ट होते हैं पाइसेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में. और अब इनके हर्ट के स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे, सो यू विल ऑब्जर्व कि जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है इन सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि जो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, वो भी वेरी करेगी. फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ पाइसेस और द फिशेस, देयर इज अ सिंगल सर्कुलेशन. सिंगल सर्कुलेशन, देखिए सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है the blood from the body to the heart travels or moves या flows once only. यानी कि heart के through जो भी blood travel करता है, वो सिर्फ एक ही बार flow करके जाएगा. But in the case of amphibians and reptiles, although it is double circulation, but somehow the intermixing of the oxygenated and deoxygenated blood occurs. इसीलिए amphibians और reptiles के केस में we generally say incomplete double circulation. Whereas in the case of apes and mammals, there is a complete double circulation, which is only called double circulation. तो यहाँ तक clear हो गया? फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होती है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, एप्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन विच इज कम्प्लीट. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पाइसेस यानी कि फिशेस से. तो फिशेस में दो चैम्बर्ड हार्ट है, ऑरिकल्स होंगे, वेंट्रिकल्स होंगे, सिंगल सर्कुलेशन होती है, यानी कि जब भी ब्लड फ्लो करके जाएगा तो हार्ट से सिर्फ एक ही बार फ्लो करता है, एक ही बार पंप होगा. तो देखते फटाफट से फिशेस के हार्ट का स्ट्रक्चर. तो मैंने बोला इनके पास दो चैम्बर्स होते हैं, सो दीज आर लाइक दिस, द ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल्स. ठीक है, अलोंग विद दीज टू चैम्बर्स द फिशेस हैव सम एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स और द चैम्बर्स व्हिच आर कॉल्ड, क्या क्या नाम होते हैं उनके, साइनस विनोसस, देन कॉनस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस एंड द फोर्थ वन इज बल्बस आर्टेरियोसस. ठीक है, तो ये जो चारों स्ट्रक्चर्स हैं या फिर ये जो चारों चैम्बर्स हैं, दीज आर द एसेसरी स्ट्रक्चर्स
that the fishes have along with these two chambered heart. तो होता क्या है फिशेस के अंदर जब भी सर्कुलेशन होती है, तो मैंने बोला कि सिंगल सर्कुलेशन है. तो देखिए द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इट विल फ्लो टू द साइनस वेनोसस. कहां तक फ्लो करेगा? साइनस वेनोसस तक. एंड देन फ्रॉम हियर इट मूव्स टू द एट्रियम and then to the ventricle, and from the ventricle the blood is pumped, the blood is pumped to the corners, arterioses, and then from here, मैं इसको इधर लेबल कर देती हूँ, like this, this is corners, arterioses, and then from here, the aorta, it takes the blood to the gills, and in the gills the blood kya hoga wahan par diffusion hogi, there will be diffusion and then exchange of gases O2 and CO2 will be diffused through the membranes. As a result the blood will be oxygenated, and this blood will be transported to the different parts of the body, and from these different parts the blood will again travel to the sinus venosus. So this pathway is singular. That means the blood flows through the heart only once. तो क्योंकि ब्लड सिर्फ एक ही बार हार्ट के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन होती है. फिशेस के अंदर गिल्स में डिफ्यूजन होगी, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होगा. एज अ रिजल्ट गिल्स से जो ब्लड बाहर आता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. And this blood reaches to the different parts of the body where again diffusion occurs. और जो body के parts होते हैं वो अपनी normal metabolical activities को perform करने के लिए इस oxygenated blood में से oxygen को consume करेंगे. उसके result में जो chemical reactions होंगे उसके result में जो CO2 निकलता है वो deoxygenated blood body के अलग अलग parts से फिर sinus venosus में entry लेता है. And the pathway goes on again. तो आप देख सकते हैं कि जो deoxygenated blood है वो entry ले रहा है sinus venosus में. तो हम कह सकते हैं कि fishes के heart में जो भी blood आता है वो कैसा होता है? Deoxygenated. तो वो heart जो कि सिर्फ deoxygenated blood को pump करेगा, it is called branchial heart. कैसा heart बोलते हैं इसको? Branchial heart और venosus heart. क्योंकि वेन्स जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, राइट? ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था. तो हमने यहाँ पर देखा द हार्ट दैट पंप्स ओनली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड ब्रैंकियल हार्ट और विनोसस या फिर विनस हार्ट. क्लियर हो गया? तो ये हमने किसके बारे में बात की है? ये हमने फिशेस के बारे में बात की है. सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ सिंगल सर्कुलेशन इन फिशेस एंड दीज आर द एसेसरी स्ट्रक्चर्स और चैम्बर्स that the fishes have, right? Now we will talk about the amphibians. तो मैंने बोला था कि amphibians के अंदर three chambered heart होता है, right? Amphibians में भी आप observe करोगे कि जो three chambered heart है, it will be like this. जो three chambered heart amphibian में present है, these are the two auricles and this is the ventricle, right? And this ventricle is not completely separated, right? तो यहाँ पर this is the left auricle and this is the right auricle. So the amphibians also have sinus venosus, they also have conus arteriosus and truncus arteriosus, but in their case the conus arteriosus fuses with the aorta and forms truncus arteriosus. Clear hai? To yahan par humne dekha is tarike se tube, ye tubular structure hai, this is the truncus arteriosus, ट्रंकस आर्टरियोसिस. और ये कैसे बना है मैंने भी आपको बताया, द कॉनस आर्टरियोसिस फ्यूजेस विद द ऑर्टा एंड इट फॉर्म्स ट्रंकस आर्टरियोसिस. क्लियर है? तो ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया एंड दिस इज द राइट ऑरिकल. देखिए क्या पाथवे होता है इसके अंदर. मैंने बोला था कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगी. Although it is the double circulation only, but incomplete इसलिए कहते हैं because there is no partition. There is no complete division. ठीक है? It will be like this only.
will be like this only. These ventricles are not completely separated, right? तो हमने सर इसको बोला कि three chambered है. These two auricle and this is the ventricle. ठीक है. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि lungs से जो blood आएगा, this is the कैसा blood यहाँ पर आ रहा है? Oxygenated blood. And पूरी body के different parts से यहाँ पर जो blood आ रहा है, this is the deoxygenated blood. Let me write it here. So this is the oxygenated blood that comes from the lungs, and here is the deoxygenated blood that comes from the different parts, various parts of the body. So what happens is, there is the intermixing of the blood in the ventricles. Intermixing of the blood in the ventricle. तो यहाँ पर क्या होता है पता है? पूरी body का जो deoxygenated blood था, वो ventricle में आया. From here, यहाँ पर क्या होगा? Intermixing हो गया ना? This blood moves to the different parts of the body. और फिर वहां पर जो body में basically क्या होना चाहिए? कि lungs के अंदर जो gases exchange है उसका process होना चाहिए, diffusion होना चाहिए. तो जब भी lungs में diffusion होगा, तो वो diffusion के result में oxygenated blood यहाँ पर आएगा. ठीक है? इस oxygenated blood को भी यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग हो रही है. इस इंटरमिक्सिंग होने की वजह से जो ब्लड एम्फीबियंस के हार्ट से पंप किया जाता है, दिस डज नॉट कंप्लीटली कंटेन द हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन. इसके अंदर CO2 का भी कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है. तो ये जो पूरा पाथवे यहाँ पर ट्रेवल किया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन. क्योंकि जो हार्ट के थ्रू जो ब्लड को एंट्री दी जा रही है, पंप किया जा रहा है, वो दो बार होते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके का ब्लड था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था. लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो आप? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. दिस ब्लड व्हेन इंटरमिक्स विद ईच अदर गोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. डिफरेंट पार्ट से भी यहाँ पर आता है, फिर लंग्स में जब फिल्टर हो रहा है तो वहां से भी यहाँ पर ही एंट्री लेता है. तो लंग्स तक भी ट्रेवल होगा डिफरेंट पार्ट से. तो ये जो दो बार हार्ट में आने का प्रोसेस है और जहां पर आकर इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो मैंने बोला था जब हार्ट में एक बार पंप किया जाता है, एंट्री लेता है, तो वो सिंगल सर्कुलेशन है. बट क्योंकि यहाँ पर दो बार एंट्री हो रही है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं. बट इन द केस ऑफ एम्फीबियंस दिस इज इनकम्प्लीट. ये आपको याद रखना है, और ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस भी याद रखना है. ठीक है. अब अगर हम बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में, तो आप देखोगे रेप्टाइल्स के केस में भी सेम से तरीके से होगा. दीज आर दी वॉल्स. ये यहाँ पर एट्रियम है, यहाँ पर वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो इसको 3.5 बोला था, सो इट इज लाइक दिस. बट द एंटायर डिवीजन इज नॉट देयर. द एंटायर डिवीजन इज नॉट देयर. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लाइक दिस. दीज आर द एट्रियम या ऑरिकल्स, दीज आर द वेंट्रिकल्स. बट दीज वेंट्रिकल्स हैव फॉल्स सेप्टम बिटवीन देम. क्या होता है इनके पास? फॉल्स सेप्टम होती है, या फिर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. कैसी है? फॉल्स. ठीक है, तो आप इसको जब आप ऑब्जर्व करोगे, तो इस तरीके से आपको देखेगा कि बॉडी में जब ब्लड ट्रेवल कर रहा है, पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन यहाँ पर आया, विच इज द राइट ऑरिकल. ठीक है, ये ब्लड जब वेंट्रिकल में आ रहा है, इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेवल करके जाना चाहिए था. लेकिन पता है यहाँ पे क्या होता है? जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस था, वो इस तरीके से ब्रांचेस में डिवाइड कर जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी आर्क. पल्मोनरी आर्क और द पल्मोनरी आर्टरी. एंड हियर यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर्स लाइक दिस. ठीक है, दीज आर ऑल्सो सर्टेन ब्रांचेस. ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस ही होता है जो कि फर्दर डिफरेंशिएट कर जाता है. ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो एट्रियम, राइट एट्रियम है, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया. And from this ventricle, this deoxygenated blood will be pumped to the pulmonary arteries. From there, it will reach to the lungs. कहाँ तक पहुँचेगा? Lungs तक. Lungs में जब diffusion होती है, तो उसके result में oxygenated blood यहाँ पर आएगा, which is the left ventricle. And from here through the aorta, the blood will travel to the different parts of the body. But since this is the false septum that I told you, तो यहाँ पर chances होते हैं कि जो blood है वो intermixing कर सके, इसीलिए हम इसको 3.5 chamber कहते हैं. And
In the case of reptiles also, in the case of reptiles also, हम क्या बोलते हैं? This is incomplete double circulation. Incomplete double circulation. The reason is clear. There is a 3.5 chambers in the case of most of the reptiles, except the crocodile, right? क्योंकि crocodile में आपने देखा था, like the apes and the mammals, they have 4 chambered heart. Clear है? So now we will move to the 4 chambered heart. किसके अंदर होगा? Apes और mammals में. तो एक बार 4 chambered heart को detail में देख लेते हैं, उनकी labeling को देख लेते हैं, और उसमें किस तरीके से flow होता है, वो भी देखेंगे. तो ये diagram हम यहाँ पर बना देते हैं. अगर मैं simple तरीके से आपको समझाऊँ, I will draw the box here, जो कि चारों chambers को represent करेगा, ठीक है? और एक बार उसकी proper labeling हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, right? So here you will see that this is the left, this is the right chamber. These are the left and these are the right chambers, the atrium and the ventricles. Clear है? तो देखिए, होता क्या है? पूरी body का जो deoxygenated blood होगा है ना, पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में एंट्री लेगा. एंड हियर यू विल ऑब्जर्व सम चैम्बर्स. देयर आर टू चैम्बर्स, द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड चैम्बर्स, ठीक है? तो जो चैम्बर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये किस लिए? ये बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, जो अगर जैसे हम बात करेंगे कि ब्लड फिल्टर हो रहा है या ब्लड में क्या हो रहा है, उसकी लंग्स में जाकर डिफ्यूजन हो रही है, तो हो सकता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से आया था वो अब फिल्टर हो चुका हो सकता है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया है. तो क्या होगा फिर? बैक फ्लो ना हो सके, वो दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ना बने, इसलिए यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर द कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. सो लेट मी लेबल इट हियर. अब हम यहाँ पर लेबलिंग कर लेते हैं. दिस इज दी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एंड हियर इज द बाइकस्पिड वॉल्व विच इज आल्सो कॉल्ड मिट्रियल वॉल्व, राइट? दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड हियर दिस इज द पल्मोनरी, दिस इज द सिस्टमिक वेन, सिस्टमिक वेन, राइट? You have heard the term sinus venosus, right? So in this case, in the case of apes and the mammals, the sinus venosus is completely fused with this right atrium, ठीक है? और ये वेना कावा जो टर्म है वो आपने यहाँ पर सुनी होगी. तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में से ये जो सिस्टमिक वेन्स होती हैं, ये कैरी करके लाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल टूगेदर is transported to the largest vein here, which is called, क्या बोलते हैं इसको, vena cava, ठीक है? This is the right atrium, the right ventricle, and from here goes a tube, a blood vessel, which is the pulmonary artery, and this pulmonary artery reaches to the lungs. Where does it go? It goes to the lungs. Here, let me mention the lungs, ठीक है? तो ये pulmonary artery कौन से blood को carry कर रही है? Deoxygenated blood को, ठीक है? तो arteries और veins में आपको याद रखना था कि जो arteries होती हैं, they generally carry oxygenated blood from the heart, लेकिन exception यहाँ पर किसकी है? Pulmonary artery की, ठीक है? And then from here goes the pulmonary vein, and this vein carries the oxygenated blood. Oxygenated blood from the lungs. तो veins के केस में हमने पढ़ा था, they carry the deoxygenated blood right to the heart. लेकिन यहाँ पर एक exception हमने भी देखी है कि जो pulmonary vein है, वो lungs से oxygenated blood को कहाँ तक लेकर आ रही है? Heart तक लेकर आ रही है. And from here will arise a tubular structure which is called the aorta. A-O-R-T-A. This is also called the systemic arch. ठीक है? तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम है, 2 वेंट्रिकल्स हैं, दोनों एट्रियम के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होगी, दिस इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम.
The septum between the right and left atrium is called interatrial septum. हमने यहाँ पर लिख लिया interatrial septum. And the septum which is present between both the ventricles, this is called interventricular septum. Interventricular septum. यहाँ पर हमने mention कर लिया. And here you can observe this septum between the atrium and ventricles. Atrium and ventricles. This is termed as atrioventricular septum. Atrioventricular septum. Clear है? और यहाँ पर इसी के साथ आप देखोगे there are certain muscular fibers which are present here and these fibers are called Purkinje fibers. These fibers which are present here are called Purkinje fibers. These fibers along with the left and right bundles of the muscles which are present in these chambers of heart are called bundle of His. क्या बोलेंगे? Bundle of His. तो आपसे ये भी question पूछा जा सकता है that bundle of His is present in, कहाँ पर present होता है? Heart में. Clear हो गया? तो ये हमने different parts के बारे में बात की है, उसकी labeling के बारे में बात की है. आप यहाँ पर देखोगे there are some walls which are present. These are called semilunar walls. Semilunar walls. These are semilunar walls. और जितने भी walls यहाँ पर present होते हैं, वो ये ध्यान रखेंगे कि oxygenated और deoxygenated blood की intermixing ना हो. So उनका काम क्या है? Intermixing होने से रोकना, साथ ही साथ backflow of blood. जो deoxygenated blood है, कहीं वो वापस flow ना कर जाए, उसको रोकने का काम भी इन्हीं का ही होगा. Clear हो गया? तो एज यानी कि बर्ड्स और मैमल्स है, जैसे कि एक एग्जांपल ह्यूमन ले सकते हो. इन दोनों के अंदर ही 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं. इसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. इनमें जो साइनस रिनोसस है वो फ्यूज हो जाता है राइट एट्रियम के साथ. ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे ये जो आर्चेस यहाँ पर प्रेजेंट है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर निकल रही है एंड अनदर वन विल बी द सिस्टमिक आर्च. तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, दिस इज द पल्मोनरी आर्च. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा, जिसको सिस्टमिक आर्च भी कहा जाता है. तो मैमल्स के केस में तो लेफ्ट वेंट्रिकल गिव्स राइज टू द ऑर्टा और द सिस्टमिक आर्च, बट इन द केस ऑफ एप्स यानी कि बर्ड्स, उसमें राइट सिस्टमिक आर्च होती है, यानी कि राइट वेंट्रिकल से अराइज करेगी. मैमल्स के केस में, मैमल्स में लेफ्ट सिस्टमिक आर्च थी, जबकि एप्स यानी कि बर्ड्स के केस में देयर विल बी राइट सिस्टमिक आर्च. तो ये हमने स्ट्रक्चर देखा है 4 चैम्बर्ड हार्ट का, उससे एसोसिएटेड जितने भी पार्ट्स हैं. साथ ही साथ आपको देखना है कि जो वॉल्स होती है, वॉल WALL, वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दैट ऑफ ऑरिकल्स यानी कि एट्रियम. ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी ब्लड का फ्लो होता है और एट्रियम से वेंट्रिकल में जब भी वो ब्लड आएगा तो उसकी जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. क्लियर है? तो जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो वॉल्स को थिक होना जरूरी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को एडजस्ट कर सके, मेंटेन कर सके और जो वेंट्रिकल्स है वो बर्स्ट ना करे. उनको बर्स्ट होने से बचाया जाता है. ठीक है, बाय यूजिंग दीज थिकर वॉल्स. साथ ही साथ यहाँ पर आपने मसल्स पढ़ी होंगी जिसको कार्डिक मसल्स कहा जाता है. दीज कार्डिक मसल्स हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क. ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है हार्ट के अंदर, वो हेल्प करती है किस चीज में? ताकि पूरे जो मसल्स हैं हमारे पूरे हार्ट की, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके और एक ही समय पर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सके. साथ साथ जो ह्यूमन हार्ट है, मैं यहाँ पर ह्यूमन हार्ट की बात कर रही हूँ, जो ह्यूमन का हार्ट होता है वो फिस्ट जितना, साइज कितना होगा? फिस्ट जितना होगा. एंड द हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर. मीजोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर. आप देखोगे दैट इट इज सराउंडेड बाय अ थिन, पर्टिकुलरली थिन कवरिंग और अ कोटिंग व्हिच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम. एंड दिस पेरिकार्डियम इज फिल्ड विद अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड, व्हिच इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड. तो ये हार्ट के स्ट्रक्चर को हमने देखा है. साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जो चैम्बर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं साइमल्टेनियसली, और हमारा जो हार्ट है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, यानी कि वो सिग्नल्स को जनरेट करेगा. दीज सिग्नल्स हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. एक बार में यानी कि एक मिनट में जो ह्यूमन हार्ट होता है वो एवरेज 72 टाइम्स
टू टाइम्स बीट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा किसकी मदद से होता है? तो आप देखोगे जो राइट एट्रियम है यहाँ पर अपर टू द राइट एट्रियम यानी कि इसके अपर पोर्शन में साइनो एट्रियल नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड। दिस साइनो एट्रियल नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर, दिस इज कॉल्ड पेस मेकर। ये क्या काम करता है? इट हैज द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, एज अ रिजल्ट ये सिग्नल्स को आगे ट्रांसफर करवाता है टू द AVN। AVN का मतलब है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का काम क्या होगा? जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किए गए थे विद द हेल्प ऑफ SAN, ये उसको आगे ट्रेवल करने में मदद करती है, इसीलिए उसको कहा जाता है पेस सेटर, पेस मेकर बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड को, पेस सेटर बोलते हैं AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को। करें अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो लेफ्ट एंड राइट मसल्स या बंडल्स प्रेजेंट होते हैं ये सिग्नल्स AVN के थ्रू आगे पहुंचेंगे और हमारे हार्ट के जो चारों चैम्बर्स हैं वो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया? तो कितने एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकते हैं? वैसे हम उसको 70 से 75 पर मिनट बोलते हैं, है ना, बट हमने एवरेज यहाँ पर निकाल दिया अप्रोक्सीमेटली 72 टाइम्स पर मिनट। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा हार्ट बीट करता है तो फिर कितने बार करेगा? 72 टाइम्स। क्लियर हो गया? लेकिन फिर आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है ये आवाज कौन सी है? क्या हमारा हार्ट कभी रिलैक्स करता है? या फिर जो आवाज आती है धक धक जिसको आप बोलते हो, विच इज साइंटिफिकली द लप डप साउंड, वो कब होती है? तो देखिए दो चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि जो दो हार्ट बीट है ना उसके बीच में, दो हार्ट बीट के बीच में हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स करेगा। दूसरी चीज, ये जो आवाज आप सुनते हो लप डप साउंड जिसको मैं कह रही हूँ, क्या नाम है? लप डप। ये आवाज कब आती है? लप आवाज तब आएगी जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्स क्लोज होते हैं। सो लप साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ, विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। तो ये तो हो गई लब, लेकिन डब साउंड कब आती है? विद द क्लोजर ऑफ दीज सेमी लूनर वॉल्स। तो डब साउंड कब आती है? विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल्स। सो ये हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है, एंड देन वी विल मूव अहेड एंड डिस्कस रेस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट ह्यूमन हार्ट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, राइट? सो कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एंड व्हाट आर दीज टर्म्स? देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक साइकिल, ठीक है? तो जो कार्डियक साइकिल है इसमें क्या होगा, दो टर्म्स की मैं बात कर रही हूँ। मैंने बताया था कि दो एट्रियम है और दो वेंट्रिकल्स है, ये दोनों एट्रियम साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन करेंगे, सेम विद द वेंट्रिकल्स, ठीक है? तो जो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है सिस्टॉल। अगर एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन की बात है तो एट्रियल सिस्टॉल, अगर वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की बात है तो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। जब रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं डायस्टॉल, रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं डायस्टॉल, ठीक है? तो ये दो चीजें हमें पता चली है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, जो टर्म्स हमने पढ़ी, ठीक है? तो कार्डियक साइकिल बेसिकली है क्या? देखिए सबसे पहले अगर मैं इन दोनों ऑरिकल्स के बारे में यानी कि एट्रियम के बारे में बात करती हूँ तो दो चीजें आपको देखनी है। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक वेन्स के थ्रू, जो लार्जेस्ट या जो सबसे बड़ी काफी बड़ी वेन है वेनकावा, सुपीरियर वेनकावा, यहां तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड टू द राइट एट्रियम साइमल्टेनियसली, यानी कि उसी समय पर वो ब्लड जो कि लंग्स में प्रेजेंट था जिसको डिफ्यूजन करना था वो डिफ्यूजन करके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहां पर पहुंचेगा? लेफ्ट एट्रियम। सो एज सून एज द ब्लड फ्रॉम द सिस्टमिक वेन एंड द पल्मोनरी वेन एंटर्स टू द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम रिस्पेक्टिवली, तो उस समय क्या होगा? देयर विल बी अ चेंज
या तो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, कोई ना कोई प्रोसेस होना चाहिए. दी चैम्बर्स, दीज टू चैम्बर्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. दिस इज कॉल्ड एट्रियम. ये जो एंट्रियम है, दोनों के दोनों ऑरिकल्स है, इसको हम बोल सकते हैं एट्रियल सिस्टॉल. एट्रियल सिस्टॉल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, इसको हमने बोला एट्रियल सिस्टॉल. और ये 0.1 सेकंड का काम. ये प्रोसेस कितने समय में हुआ? 0.1 सेकंड, राइट. सो एज सून एज द ब्लड फ्रॉम दीज टू ब्लड वेसल्स एंटर द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है दोनों चैम्बर्स की. एज अ रिजल्ट क्या होगा? जिस समय एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन होती है, दीज ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्स ओपन. क्या होगा समय? ये जो वॉल्स है वो खुल जाते हैं. जैसे ही ये दोनों वॉल्स खुलेंगे, द ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम मूव्स टू द राइट वेंट्रिकल एंड द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम मूव्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो जैसे ही इन दोनों चैम्बर्स का ब्लड इन दोनों चैम्बर्स में आएगा, ब्लड के पहुंचते ही ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, ये बंद हो जाते हैं. ऐसा क्यों होते हैं? मैंने आपको बताया था कि इन वॉल्स का क्लोजर इसलिए किया जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड का. ठीक है, तो ये दोनों जिस समय एट्रियल की सिस्टॉल यानी कि क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों वॉल्स खुल जाते हैं. बट जैसे ही इन दोनों चैम्बर्स का जो ब्लड है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, दीज टू वॉल्स विल बी क्लोज, वो बंद हो जाएंगे. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब सारा का सारा ब्लड राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, इसका मतलब है ये समय है वेंट्रिकल्स के लिए क्या करने का? सिस्टॉल. सिस्टॉल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन. नाउ दीज टू चैम्बर्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड द ओपनिंग ऑफ दी सेमी लूनर वॉल्स अकर. ओपनिंग ऑफ सेमी लूनर वॉल्स, तो यहां पर सेमी लूनर वॉल्स की ओपनिंग होती है और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा. एंड यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहाँ पे ऑर्टा से होते हुए, सिस्टमिक आर्ट से होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा. यहाँ पर भी ये सेलुलर वॉल खुला था. सो ओपनिंग हो गई थी इन दोनों वॉल्स की. क्लियर हो गया? तो एट्रियम की सिस्टॉल एंड देन वेंट्रिकल्स की सिस्टॉल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. अब क्या होगा? जैसे ही एट्रियम का ब्लड सारा वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये 70% और ज्यादा प्रेशर के साथ चल रहा होता है. तो यहाँ पर देखोगे जो 30% का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से ये जो एट्रियम है ये दोनों ज्यादा समय के लिए रिलैक्सेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड कहां पर आता रहता है? एट्रियम के अंदर मूवमेंट करता रहता है, फ्लो करता रहता है. इसीलिए एट्रियम को ज्यादा रिलैक्सेशन का समय नहीं मिलेगा. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू चैम्बर्स, ये जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं ये रिलैक्सेशन कर लेते हैं. और ये जो पूरा साइकिल आप देख रहे हो विच इंक्लूड्स द सिस्टॉल एंड डायस्टॉल ऑफ बोथ द चैम्बर्स, सिस्टॉल ऑफ बोथ द एट्रियम एंड द डायस्टॉल ऑफ बोथ द एट्रियम अलोंग विद सिस्टॉल ऑफ बोथ द वेंट्रिकल एंड डायस्टॉल ऑफ बोथ द वेंट्रिकल, ये पूरा साइकिल कार्डियक साइकिल कहलाता है. एंड इट अकर्स इन 0.8 सेकेंड्स. ये आपको याद रखना है, 0.8 सेकंड में ये पूरा प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, तो जब हमने एट्रियम के सिस्टॉल की बात की थी, सिस्टॉल का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्शन, वो 0.1 सेकंड में हो गया था. जब इसके डायस्टॉल की बात करते हैं वो 0.7 सेकंड तक चलेगा. इसमें वेंट्रिकल के सिस्टॉल की बात करेंगे 0.3 सेकंड्स, और वेंट्रिकल के डायस्टॉल की बात करेंगे इट विल बी अराउंड 0.5 सेकंड्स. तो ये भी 0.8 और ये भी, दोनों एक समय के अंदर हो जाते हैं. एंड द टोटल टाइम विच इज टेकन फॉर द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड्स. क्लियर है? सो कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट कीप ऑन मेंटेनिंग, जो बार बार चलते रहते हैं, चाहे वो एट्रियम के बारे में हो या वेंट्रिकल के बारे में हो, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा. अब कार्डियक साइकिल के बाद जो अगली टर्म हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? अगली टर्म कौन सी है? यहाँ पर हम देख रहे हैं फटाफट से, वो है स्ट्रोक वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? सी, आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब भी वेंट्रिकल्स की बात करते हैं
वो जब हार्ट से ब्लड को पंप करेंगे, सो इट विल बी अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड. तो स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब है ईच वेंट्रिकल पंप 70 ml ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम. एक और टर्म हमें यहाँ पर देखनी है, कार्डियक साइकिल हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, सो द थर्ड टर्म इज कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट, लेट्स सी व्हाट इज दिस. देखिए नॉर्मली मैंने यहाँ पर देखा था कि 72 टाइम्स पर मिनट हमारा जो हार्ट है जब वो बीट करता है, सो इट इज 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है. और एक बार में 70 ml ऑफ ब्लड रिलीज कर दिया जाता है. मैंने बोला हर एक वेंट्रिकल 70 ml ऑफ ब्लड को पंप कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ जब 70 ml ऑफ ब्लड को 72 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली 5000 ml ऑफ ब्लड दैट कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट इन 1 मिनट, पूरे 1 मिनट में. तो इसका मतलब ये हुआ इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर. तो जब आपसे स्ट्रोक वॉल्यूम पूछेंगे तो आप बोलोगे ईच वेंट्रिकल पंप 70 ml ऑफ ब्लड, और उस वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं. एंड कार्डियक आउटपुट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट विद द स्ट्रोक वॉल्यूम. सो द आंसर इज 5000 ml और अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड. क्लियर है? तो ये हमने किस किस चीज के बारे में बात की है, कार्डियक साइकिल, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट. हार्ट बीट मैंने ऑलरेडी आपको बताई थी, साथ ही साथ आपको याद रखना है लव और डब जो साउंड आती है, लव साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल, डब साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वॉल. क्लियर है? तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. सो बेसिकली जो ईसीजी है वो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो कि हार्ट की एक्टिविटीज को स्टडी करने में हेल्प करे, ठीक है. हम पता लगा सकते हैं कि जो हार्ट की एक्टिविटीज है वो नॉर्मल है या नहीं विद द हेल्प ऑफ ईसीजी. तो ये ग्राफ जो यहाँ पर बनता है, एक बार वो ग्राफ हम देखेंगे किस तरीके से होता है. दिस ग्राफ इज लाइक दिस. अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर कुछ वेव्स आप देखते हो, दिस इज पी देन क्यू आर एस एंड टी. बेसिकली जो ईसीजी है, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके बेसिस पर आप हार्ट की एक्टिविटीज को स्टडी कर सकते हो. आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन समय पर हो रही है या फिर नहीं. क्लियर? तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म्स है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ ये जो डिवाइस है इसके जो वायर्स होते हैं वो हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट से कनेक्टेड होते हैं. तो आप देखोगे ईच वायर टू ईच रिस्ट, यानी कि हर एक दोनों कलाई से, इस कलाई से भी एक वायर जुड़ा होगा, इस कलाई से भी, एंड वन वायर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट एंकल, यानी कि एड़ी के साथ जुड़ा हुआ होता है. तो इसका मतलब है कि ये जो डिवाइस है, जो मशीन है जिसको हार्ट की एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, इसके दो वायर्स हैं जो कि लेफ्ट और राइट कलाई रिस्ट से जुड़े हैं, और एक वायर ऐसा है जो पैर की, लेफ्ट वाले पैर की एड़ी एंकल से कनेक्टेड होगा. क्लियर है? नाउ व्हाट डज दीस सेगमेंट्स रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है. तो जब अभी हमने कार्डियक साइकिल पढ़ा था तो देखा सबसे पहले दोनों एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, एंड द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द सिस्टोल. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं पी रिप्रेजेंट करता है एट्रियम के सिस्टोल को. सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, एंड दिस रिप्रेजेंट द, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोलराइजेशन स्टेट, डीपोलराइजेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. अब ये तो हो गया एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. लेकिन इतना ज्यादा समय एट्रियल को रिलैक्सेशन के लिए, या फिर जो हार्ट है उसके अंदर जो एट्रियम के दोनों चैम्बर्स हैं उनको रिलैक्सेशन करने के लिए जो बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट टाइम चाहिए, वो नहीं मिल पाता जिस समय वो रिलैक्सेशन कर रहे होते हैं. तो पूरे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं या जो पल्मोनरी वेन है वहां से एट्रियम के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है ना. तो यहाँ पर हमने अलग से एट्रियम के रिलैक्सेशन को शो नहीं किया हुआ है. अब सीधा हम क्यू आर एस की तरफ आते हैं.
This QRS7 represent ventricular systole. Ventricular systole. ये represent करती है ventricular systole को, यानी कि contraction of ventricles को. अब यहाँ पर हम T पर आते हैं. ये represent करेगा ventricular diastole को, यानी कि relaxation of ventricles. Relaxation of ventricles, which is repolarization. Clear है? तो ECG, electrocardiogram, ये एक ऐसा डिवाइस है जो हार्ट की एक्टिविटीज को स्टडी करने में मदद करेगा. बहुत सारी आवाज आती है पीप पीप करके इसमें, तो कब आएगी? जब यहाँ पर ये जो मूवमेंट आपको दिख रही है, दीज आर दी सेगमेंट्स जो कि बताती हैं कि प्रॉपर तरीके से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चल रहा है या नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक ECG.